गाइस कैसे हो आप सभी। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बज चुके हैं, तो सबको गुड मॉर्निंग। एंड डेट है आज 24 अगस्त। तो आज हम यहाँ से निकलेंगे, बाकी मैं आज लेट उठाऊँ तो नील ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ब्रेकफास्ट रेडी कर चुके नील। एंड आज निकलना है यहाँ से दोपहर को आफ्टर लंच, तो आज आपको जर्नी दिखाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है रोड पर निकलना, तो हम आज रोड पर निकल रहे हैं। नील क्या हो रहा है? आइसक्रीम मॉर्निंग में कौन खाता है? तो मैं भी हूँ ना। तुमने कल खा ली थी, तुम्हें लेने ले ली। ऐसे मत बोलो यार, पता है मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। कोई अच्छा बच्चा नहीं है, कोई आइसक्रीम नहीं। अच्छा आप आज जगह के नहीं देते आज मॉर्निंग खा दूँ? तो गर्मी लग रही है। नील आज देसी सैंडविच बना रही है, साउथ इंडियन स्टाइल। और ये है मेरा। अमेजिंग। मस्त बनाए साउथ इंडियन स्टाइल। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, मैंने पहले नहीं खाया। नील ने बनाया नहीं घर पे। नील आपने आती है वेस्ट सैंडविच, यानी कि टमाटर प्याज और वो मेयोनीज डाल के, बट यहाँ ये अलग है, डिफरेंट। अच्छा बना है, खा लो। ब्रेकफास्ट है, अच्छा अच्छा मिल जाए मॉर्निंग खाने में, क्या चाहिए, यही तो लाइफ है। गर्म गर्म खा लिया है, यहाँ पर फैन हो गया बंद, बिकॉज नॉट फॉर हमारे वीडियो, बिकॉज यहाँ पर हुआ है, यहाँ की जो दीदी है वो आ गई है झाड़ू लगाने वाली। एली कर क्या आ रही है तू यहाँ पे? एली अरे बोल तो, कैंटीन ना देखो एली। सारे झाड़ू लगा दिए यहाँ पे। आपको लग रहा होगा यात्रा इंडी शूट रहता है, मुझे एक्चुअली घर पे यार कपड़े पहनना पड़ता है, उनको शौक नहीं है। लगता है क्या मतलब, दिल तो करता है बाहर जाऊँ, बट बाहर यार कई जगहों पर उस जगह के अकॉर्डिंग कपड़े डालने होते हैं। वरना मैं तो निक्कर और टी शर्ट, वो भी स्लीवलेस नहीं चाहिए भाई, से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया यार। दिल्ली वाले जो बंदे होते हैं ना, लोग जो होते हैं ऐसी ग्रीनरी के लिए ना तड़सते हैं, बस घर में लोन हो। ओए होए, एक मीडियम क्लास का बंदा उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है जो इतने बड़े स्पेस में एक गार्डन बना सके। यहाँ पर तो सब्जियाँ भी उगी हुई हैं, देख सकते हो आप। बाकी आज निकलना है, नील को बोलता हूँ, कितना बोल चुका हूँ मैं, निकलना है, पर अभी तक पैकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। करना है मुझे ये, करना है यार, देखता हूँ कहाँ है मेरी स्लीपर। पहले तो ये रही अपनी स्लीपर, अब निकलते हैं यहाँ से दूसरे वाले घर में, सामने वाले में, यहाँ पे वो मेन घर है। क्या हुआ नील, पैकिंग नहीं करनी क्या? ओ भाई कितने सारे कपड़े हैं यार, शिट, इनकी पैकिंग करनी है मुझे, उस पैकिंग हो जाएगी इनकी। अबे यार ये अभी भी लगी पड़ी है, नील क्या करना है यार, पैकिंग नहीं करनी क्या? कोई नहीं खा लेंगे यार, मुझे इतना बड़ा काम सौंप दिया है, मुझे पैक करनी करता हूँ। माइके के घर से ससुराल जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, पैकिंग वैकिंग, चावल सावल जो रीति रिवाज है वो हो रहा है। ऐसा कुछ होता है रक्षाबंधन पे जो लड़की घर जाती है अपने,
जब लड़की घर जाती है तो दामाद का पेट भरने के लिए चावल दाल जवे अच्छा वहाँ तो मिलते ही नहीं है ना सब दिया जाता है नहीं वहाँ तो मिलते ही नहीं है तो वो बात अलग होती है बोलते ना ससुराल का माल अलग होता है अच्छा वो यानी कि बोनस है वो बोनस हो ये नहीं नहीं ये नहीं ये बोनस है वो यानी वो तो मिलेगा ये बोनस है ठीक है वो साथ में ये भी जाएगी क्यों मेकअप नहीं किया वो तूने मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हूं तब फिर फेस क्यों दिखा रही क्या अब बोल मुंह नहीं धोया मैंने 10-11 बज गए अब तक मुंह नहीं धोया तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ये देखो गंदी सी शक्ल का लड़का मैं मुझे लगा फोटो खींचने वाली हूँ मैं पोज दे रहा ऐसे कर हाँ पोज मत दे जा रहे हैं तो मम्मी बाय मम्मी बाय टेन के अंदर मत आना बाय कर दो यहीं से अच्छा ओ माय गॉड तो हम चले जा रहे हैं एली बाय तो अभी हम पहुंच गए हैं फरे के टोल पर बीच में हमने रुक के गाड़ी का पोल्यूशन भी करवाया पॉल्यूशन परसों ही खत्म हुआ था हमने सोचा आज निकलेंगे तो करवा लेंगे बाकी अब तो फास्ट ट्रैक है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा बट आगे कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो टाइम भी लग सकता है क्योंकि कभी कभी फास्ट ट्रैक जो है स्कैन नहीं कर पाता सही से फाइनली एक टोल क्रॉस हुआ अभी हम फरह में हैं मथुरा से पहले फरह है बस थोड़ी बहुत थोड़ी देर में ही हम लोग मथुरा पहुँच जाएंगे बाके बिहारी के धाम में उनकी नगरी में हाँ पर वहाँ से हम होके भी जाएंगे फिर अगर निकलेंगे हाईवे से तो दोस्तों रिट्स ने धोखा दे ही दिया अभी हम मथुरा ही हैं अब गाड़ी खुली है हमारी शायद इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो वही चीज़ ओपन हो रही है पापा अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं नव और मैं यहीं पर ही हैं हम देख रहे हैं भाई फाइनली हमें हमारे सामने पता चले कि क्या दिक्कत है गाड़ी में तो जी आप भी देखिए हे भगवान ये हुआ है दोस्तों गाड़ी का इंजन खोलना पड़ा और जाने क्या क्या होगा ये हाईवे पे दो दो पिल्लू नव से मांग रहे हैं बिस्किट एक पैकेट खिला दिया आपने दो पैकेट दोनों को एक एक पैकेट खिला दिया फिर भी ललचाई सी आंखों से देख रहे हैं पिल्लू दोस्तों पनौती हो चुकी है ढंग से हुई है ढंग से आज हमें दो बजे से हम यहीं पे हैं लग चुकी है तो हमें डर था कि मैकेनिक के पास जाएगी 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 हम सोचे थे दिल्ली तक चली जाए वहाँ पहुँचा देंगे अपने आप ही हम पर नहीं यहीं लगनी थी तो यहाँ पर गाड़ी खराब हो चुकी है मैकेनिक बोल रहा है कि इंजन सीज हो गया है सो इंजन इंजन नहीं थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ऊपर साइज जो है वो सीज में आता है तो वो काफ़ी अच्छे वाले पैसे लगने वाले हैं पर अभी तो यानी कि रात हो गई है वापस आगरा जा रहे हैं पापा को लेके वहाँ से सुबह आ रहा है गाड़ी लेके वापस आगरा कल सुबह मॉर्निंग में दोबारा आएंगे तो यानी कि अगर दिल्ली में 3,000 की मिल रही है 3,500 की मिल रही है तो एक अदर स्टेट में जाके एक यहाँ की अदर स्टेट की एक अच्छी सिटी में मथुरा यार मतलब छोटी मोटी सिटी नहीं है मथुरा में आने के बाद उसे उस चीज़ के रेट डबल से ज़्यादा तो थोड़ा सा लगता है यार कि ना थोड़ा एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव तो है मुझे भी लगा काफी क्योंकि देखो एक पार्ट में जो पार्ट हमारा गड़बड़ हुआ है ना उसी पार्ट के जस्ट डबल पैसे बताए हैं शायद मैं अब वापस आगरा जाएंगे तो शायद ढूंढेंगे कि वहाँ पे मिल जाए वो पार्ट तो वहाँ से अगर अगर रेट कम हुआ यहाँ से वहीं से लेकर आ जाएंगे यहाँ पे लगा दें मुझे लगा दें बाकी दिखाते हैं आपको गाड़ी पूरा खुल खुल के लगी हुई है दिखाते हैं आपको क्या यहाँ पे हमारी गाड़ी काफ़ी बड़े वाला वो है यार गेट ये अपना गोलू बेचारा मुंह पाड़ के खड़ा है हमारा गोलू मुंह पाड़ के खड़ा हुआ है इसका ये पार्ट जो होता है ऊपर वाला वो ख़राब हो गया है सो
काफ़ी टाइम लग रहा है वो रखा, ये ख़राब हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे टू। एक्चुअली कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और भैया हमारी गाड़ी का ही पार्ट्स रिपेयर कर रहे हैं। हाँ चेंज हो गया, यानी कि उसको अब जो चीज़ लगानी है वो चीज़ में लगा रही है। हमें तो पता भी नहीं इस लैंग्वेज का क्या है क्या नहीं, कर रहे हैं, हो जाएगा दो घंटे में। बाकी फिर निकलते हैं यहाँ से, पहले आगरा फिर वापस दिल्ली, बिकॉज पापा अभी आगरा भी हैं। तो यहाँ पर आज लाना ठीक नहीं लगा क्योंकि बेफालतू यहाँ पर बैठे रहते, उनका भी थोड़ा ऐसा होता मूड खराब। कुछ खाना है, खाने के लिए हमें रोड क्रॉस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी गाड़ी यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर जाना पड़ रहा है। इसका नाम है, अब पता नहीं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे जाते हैं शायद कुछ मिल जाए। है कुछ यहाँ पे अच्छा सा, शायद भावना पैलेस रेस्टोरेंट है कुछ है कि जा रहे हैं आगे, मिल जाए कुछ खाने के लिए। यहाँ पे मंगाया हमने दाल मखनी, बटर रोटी, ये छिड़के वाले प्याज आई है, चटनी आई है, हमने बाकी मिक्स वेज और बुक किया है वो आने वाला है। दाल ठीक है, बेकार नहीं, ठीक है। भूख लग रही थी क्योंकि गाड़ी में भी और टाइम लगना है। यहाँ पे एसी मिल गया एक्चुअली, सबसे बड़ी बात। हमने कहा एसी पे बैठते हैं थोड़ी देर, टाइम लगेगा। जय गुरुदेव ढाबा, ढाबा या रेस्टोरेंट? ढाबा ही है, मतलब रेस्टोरेंट कम माइंड जो भी है। तो नील, खाना फिनिश हो गया फाइनली, ठीक था, पेट भर गया नहीं, कैसा कुछ नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं कर, दोबारा आ जाए खाने के लिए यहाँ पे। आप लोगों को भी नहीं बोलेंगे आने के लिए, बताओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज यहाँ की मिक्स वेज और दाल मखनी पे हमारा नाम लिखा था जिसके पैसे में पे करने थे। चलो देखते हैं, अभी जाते हैं गाड़ी के पास। स्टार्ट करके देखेंगे, अभी इंजन ऑयल डल गया है। तो दोस्तों कल दोपहर के 2 बजे से अब शाम के 7:30 बज चुके हैं फाइनली अब देखते हैं स्टार्ट होगी कि नहीं। बांके बिहारी लड़की हो मेरी लाज, बैटरी फिल हो गई हमारी खुद की। फाइनली गाइस आज थर्ड डे है और गाड़ी मिल गई है। आज थर्ड डे गाड़ी मिली है बट अभी भी कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, दिक्कत लग रही है बट हमने कहा चलो एक बार घर पहुंचते हैं, घर चलते हैं, घर जाके मजा ठीक हो गया। गाड़ी स्टार्ट है, ये बहुत बड़ी बात है, गाड़ी चल रही है बस, स्टार्ट है, थोड़ा पिकअप को लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखते हैं। बोला था कि आप थोड़ी दूर जाओगे तो पिकअप मैनेज होगा, फिर देखते हैं कैसे पिकअप मैनेज होता है। बस अब फाइनली आज दिल्ली का सबसे लंबा ट्रैवल हो गया हमारा, 3 डेज आगरा से दिल्ली, 3 दिन, ओ माय गॉड, इतने दिन में तो हम पैदल भी पहुँच जाते हैं ना, पहुँच जाते यार पैदल हम परसों से, तो हाँ पहुँच जाते हैं। बाकी हमने पापा को बाय ट्रेन भेज दिया बिकॉज़ घर पे काम था कुछ, पापा को हमने ट्रेन से भेज दिया क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि आज भी गाड़ी मिलेगी। गाड़ी मिल तो गई है बट दिक्कत कुछ आ रही है, अभी साउंड कुछ गाड़ी में आ रहा है। चलो बाकी अब जाके हम अपने लोकल मैकेनिक को वहाँ पर दिखाएंगे, फिर चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई गर्मी बहुत गंदी वाली है, एसी ही बहुत काम कर नहीं पा रहा है, एसी भी लग रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ठीक है आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है। बाकी बस हमारे आगे रोडवेज बस चल रही है, फर्स्ट क्लास रोड है, उसको हम पीछा कर रहे हैं, पीछा करो ओ पीछा करो, टैन 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 टैन, फेवरेट ये फेवरेट तो होती है पता है, टैन टैन टैन, कुछ भी चीज हो रही है टैन 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 का पीछा कर रहे हैं हम, टैन 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 टैन, चोर पुलिस वाले जो सीधे पहले आते थे उनमें यही रिंगटोन होती थी ना, वो भी दी है वो मूवी कमी ने, वो भी टैन टैन नहीं, नॉर्मली जब हम छोटे थे हम जब सीरियल देखते थे जैसे चोर पुलिस या कुछ भी, हर मूवी यही होता था सीरियल, लास्ट में पीछा करा था गाड़ी में या फिर किसी घोड़े में भी,
यार ये घोड़े भी मेरे पीछा कर रहा है हीरो, तो ये आवाज ही आएगी टन 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 टन। बस बस चलो मत आराम से चलाओ। तो दोस्तों फाइनली वी हैव हम लोग जो है अब हरियाणा में एंटर हो चुके हैं। अपना हरियाणा साड्डा हरियाणा दूध दही का खाना। अच्छा साड्डा ये पंजाबी और हरियाणा मिक्स कर दिया आपने। साड्डा हरियाणा हरियाणा पंजाब में था। मारा हरियाणा ये राजस्थानी होता है। इधर रास्ता पलवल के लिए फरीदाबाद होटल इधर के लिए जा रहे हैं। हम भी इधर ही जा रहे हैं वैसे। हमें मुंडा थोड़ी है सीधे जाना है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं। बोला ना आपको पहले भी मैंने बोला था लॉन्ग जर्नी 3 दिन कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गई है जर्नी हमारी। अभी हमें शुक्र है ट्रैफिक भी नहीं मिला। आश्रम वगैरह से हम होकर आए हैं तो वहां भी ट्रैफिक नहीं है। बाकी देखते हैं कि बस अड्डे पे कितना ट्रैफिक होगा। ऐसा तो कोई इशू नहीं है तो चलने वाला है चलता फिरता। ये तो मूविंग है तो कोई इशू नहीं है। इशू तो उसमें भी नहीं होगा। ट्रैफिक होगा तो हम कौन सा भैया रुकना पड़ेगा है ना। हाँ गड्डी में बैठे रहना है। कद बढ़ाए ये जरूर पढ़ा करो। जिसके हाइट कम हो ना ऑटो के पीछे लटक जाओ कद बढ़ा देंगे ये। फाइनली हम लोग दिल्ली आ गए हैं। थोड़ी बहुत देर में घर भी पहुंचाएंगे पर अब हाँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत लंबा हो गया होगा वैसे भी। हो गया होगा क्या जब हम एडिट करेंगे तब पता चलेगा। वैसे तो लंबा हो ही गया इतना तो हमें मालूम है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और नवनील के ऊपर अपना प्यार बरसाना शुरू कीजिए। पिछले वाले व्लॉग में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मीन्स हमें तो मजा आ रहा था बट आपने लग रहा है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अपने रिस्पॉन्स को बढ़ाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।